बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने पहले पढ़ा था ये मास वेरिएशन विद मास वेलोसिटी, हमने लेंथ कंट्रक्शन पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एंड एनर्जी आर इंटरकनेक्टेबल। इफ द गिवन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एम जो है वो मास रिलेटिविस्टिक मास है और वी जो है सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड फ्री स्पेस। अब वो कहता है कि अगर एम नॉट जो है रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो तो एनर्जी ई नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर है। अब इन दोनों की हम एनर्जी जो है वो चेंज इन एनर्जी ड्यू टू मोशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर। दिस रिलेशन ये जो है डेल्टा एम जो है ये किसके ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है कि रिलेशन शोज़ दैट डेल्टा एम इज़ वेरी स्मॉल, यानी ये डेल्टा एम जो है वो बहुत ही कम मास है बिकॉज सी स्क्वायर इज़ वेरी लार्ज टर्म। वी कैन से दैट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू गेट कंसिडरेबल चेंज इन मास, यानी मास को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है डेल्टा एम इन आवर डेली लाइफ। द एनर्जी चेंज आर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, हेंस नो सिग्निफिकेंट चेंज इन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, चेंज इन मास विद एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन अकॉर्डेंस विद अबव इक्वेशंस। अब हमारे पास क्या है ये नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है। रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर अप्लाइड इन मॉडर्न सिस्टम, ये अप्लाइड मॉडर्न सिस्टम में होती है जिसको कहते हैं नेवस्टार। बाय द हेल्प ऑफ दिस पोजिशन एंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कैन बी डिटरमिन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इससे हम किसी भी पोजिशन या वेलासिटी किसी भी एयरक्राफ्ट की या शिप की हम दुनिया में वो कहीं भी हो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ तक डिटेक्ट कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में आपने देखती हैं कि एक वर्नियर कैलीपर होता है और एक स्क्रू गेज होता है। अब हम छोटी से छोटी चीज़ की लेंथ या मोटाई जो है वो वॉल्यूम जो है हम वर्नियर कैलीपर से मेजर करते हैं, बट बहुत बारीक जो हमारे बॉल जितनी या उससे भी छोटी अगर कोई वायर है बहुत ही बारीक, उसकी भी एक लिमिट है कि हम 0.01 सेंटीमीटर तक कोई लेंथ है ना तो वो हम वर्नियर कैलीपर से मेजर कर सकते हैं। अगर उससे कम है तो वो हम वर्नियर कैलीपर से नहीं करते, एक और इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज जिससे हम करते हैं। इसी तरह ये जो नेवस्टार है ये मैक्सिमम जो है वो इसकी स्पीड और पोजीशन जो है वो हम क्या मालूम कर सकते हैं, इसकी स्पीड कहाँ तक यानी वो कितनी स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट या शिप जा सकता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इससे कम जो है वो नहीं हो सकता। द क्लोजनेस टू द एक्चुअल स्पीड इज ऑब्टेन बाय यूजिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोजीशन आफ्टर 1 आवर ऑफ लाइट कैन बी प्रिडिक्टेड अप टू 50 मीटर एक्यूरेसी बाय यूजिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वाइल विदाउट यूज ऑफ दिस थ्योरी द एस्टिमेशन इज अबाउट 760 मीटर। अब आ गया जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस देती है, अगर ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो वो रेडिएशंस उसमें से निकलती हैं और वो सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। जब ये कोल्ड स्टेट में होता है तो ये सारी रेडिएशंस जो इर्द गिर्द होती हैं वो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी से निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यानी व्हेन बॉडी इज हीटेड, जब बॉडी को गर्म किया जाता है तो ड्यू टू राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर इट एमिट्स रेडिएशन। ठीक है, और जब इसको ठंड कोल्ड पोजीशन में हालत में लिया जाता है तो उस वक्त ये सारी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एट लो एंड ऑर्डिनरी स्मॉल टेम्परेचर रेडिएशन एमिटेड आर ऑफ लार्ज वेवलेंथ इन द इंफ्रा रेड रीजन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस आर आल्सो एमिटेड। लॉन्ग रेडिएशन लॉन्ग रेंज भी निकलती हैं और स्मॉल शॉर्टर वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ की शॉर्टर होती है वेवलेंथ और कुछ रेडिएशंस की लॉन्गर होती हैं, तो दोनों वो निकलती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, देखें जब हम
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो हम वो कहते हैं डिस्टेंस है, वो हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं या हम खुद जाते हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उनको हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन जब रेडिएशंस निकलेंगी ना, तो उनका भी डिस्टेंस ही होता है, बट उनको हम डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। उनकी वो वेवलेंथ होती है, कुछ ज़्यादा दूर तक जाती हैं वेवलेंथ, कुछ जो है वो कम जाती हैं। तो और जब मसलन अगर हमने प्लैटिनम वायर को हीट किया है, तो वो डल रेड हो जाती है, उस वक्त जो उसका टेम्परेचर होगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी जब उसका टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो उसमें से जो रेडिएशंस निकले, वो जो प्लैटिनम होगा वो डल रेड हो जाएगा। फिर चेरी हो जाएगा 900 पे, ऑरेंज हो जाएगा 1100 पे, और येलो हो जाएगा 1300, फाइनली वाइट एट टेम्परेचर 1600 सेंटीग्रेड। एट फाइनल टेम्परेचर रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द वायर इज रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, लेट अस कंसिडर द सॉलिड। अब यह कि ब्लैक बॉडी बनती कैसे है। ब्लैक बॉडी जो है वो एक इस तरह बनती है कि ये एक कैविटी होती है, हॉलो कैविटी होती है, उसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, ये वाला यहाँ से सुराख होता है। इसके अंदर वाली चीज़ जो होती है वो सारी क्या की जाती है, ये जो अंदर सारी कैविटी के अंदर, ये हम लैम्प ब्लैक कर देते हैं। लैम्प ब्लैक होते हैं तवे के पीछे जो आपकी कालक जो होती है उसको हम इसे कोटेड कर देते हैं। और रेडिएशंस कैन एस्केप और एंटर थ्रू दिस होल कैविटी इनसाइड ब्लैक बॉडी विच शो टू मेक इट गुड एब्जॉर्बर। जो ब्लैक चीज़ होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है और गुड रिफ्लेक्टर होती है। ठीक है, वेन सॉलिड कैविटी रेडिएटर एट हाई टेम्परेचर, जब ये हाई टेम्परेचर पर होती है तो होल इट अपीयर्स डार्क। इट इज़ ड्यू टू रीज़न, ये क्यों डार्क पे होती है जब सॉलिड हाई टेम्परेचर पर होती है। नो रेडिएशन इज रिफ्रैक्टेड फ्राम इट, द एंटरिंग रेडिएशन सफर्स अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन साइड द कैविटी एंड इट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब दैम। जब ये क्या होती है हाई टेम्परेचर में होती है, बार बार जो रेडिएशन है इसके अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो रेडिएशन निकल रही हैं उनकी ताकत कितनी है, इंटेंसिटी उनकी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कि लॉन्गर कुछ रेडिएशन हैं जिनकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, ताकत ज़्यादा होती है। और मैंने बताया ना, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उसकी ताकत कितनी है। तो रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम हॉट ब्लैक बॉडी आर मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ, उसमें से बहुत जितनी भी रेडिएशंस ब्लैक बॉडी से, बहुत हॉट ब्लैक बॉडी से निकलती हैं, उनकी वो ज़्यादा वेवलेंथ होती है। कुछ वेवलेंथ बड़ी होती हैं, कुछ शॉर्टर होती हैं, कुछ लॉन्गर होती हैं। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस करस्पॉन्ड टू डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बाई ल्यूमिनर और प्रिंक्शम द अपरेटस यूज्ड बार दैम इज यूज्ड। ये देखें, ये हमारे पास है फर्नेस है, फर्नेस से रेडिएशन आ रही हैं। ग्राफ बिटवीन डिफरेंट वैल्यू वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी करस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ द शेप। अब इसमें से इंटेंसिटी ये देखें, ये अब इंटेंसिटी है। कुछ ये डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं तो आप ये देखते हैं कि ये जो कर्व आ रहे हैं ये इनकी इंटेंसिटी बताते हैं। रेडिएंट एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वेवलेंथ एट अ गिवन टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी मैक्सिमम इंटेंसिटी इज करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम। वैल्यू ऑफ जो लैम्डा एम है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू केल्विन। अब ये जो डिफरेंट आपके पास कर्व आ रहे हैं, देखो पहला जो है वो उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, उसके बाद उससे कम है, फिर उससे यानी ये आपके पास जो हैं ये कुछ लॉन्गर वेवलेंथ्स हैं, कुछ शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं। तो इन सब को एक्सप्लेन डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया और उन इनकी वेवलेंथ उन्होंने डिफरेंट तरीके से मालूम की। तो सबसे पहले जो था वो केल्विन था, जिसने कहा कि जो वेवलेंथ है जिस वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। दिस इज़ कॉल्ड वेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इन अबव इक्वेशन शोज दैट फॉर हायर टेम्परेचर ब्लैक बॉडी वेवलेंथ। ये जो फार्मूला था ये ट्रू था फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, जो शॉर्टर वेवलेंथ थी। ठीक है, उसके बाद केल्विन के बाद जी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस उसने कैलकुलेट की, उनकी वेवलेंथ की,
तो उसके बाद एक स्टीफन ने अपना एक फार्मूला बनाया, उसने इनको ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि जो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी है वो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के बराबर है। तो सिग्मा जो स्टीफन कांस्टेंट है, उसने सिग्मा की वैल्यू बताई 5.67×10^-8। यानी ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस इन कर्व्स को एक्सप्लेन किया, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ। अब ज़रूरत उस वक्त ये थी कि एक ऐसा फार्मूला निकाला जाए जिसके लिए हम वेवलेंथ सारों की मालूम कर सकें, एनर्जी सारों की मालूम कर सकें। तो वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ जो है ना ये कर्व पढ़ते हैं। ठीक है, इन कर्व को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर मुझे आप बता दें। ठीक है।